हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। आज हम आपको समझाएंगे कि नायलॉन का कपड़ा कैसा होता है, आखिर इसका नाम नायलॉन ही क्यों पड़ा। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि पॉलिस्टर क्या होता है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से देख लीजिए। नायलॉन कपड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। नायलॉन पहला ऐसा कपड़ा था जिसको महिला सब स्टॉक करके रखने लगी, मतलब महिला का आदत होता है कपड़ा जमा करके रखती है, तो सबसे पहला कपड़ा था नायलॉन ही जिसको महिला सब जमा करके रखने लगी। ये पूछे हुए हैं एग्जाम में। अब बात आता है कि इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा। तो सबसे पहले इस कपड़ा का प्रोडक्शन जिस सिटी में हुआ था, उस सिटी का नाम है न्यूयॉर्क और लंदन। तो एन से न्यूयॉर्क से एन, न्यू से एन उठाया गया, यॉर्क से वाई उठाया गया, लंदन से लन उठाया गया और उसी से नाम पड़ गया नायलॉन। और सबसे पहले कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? न्यूयॉर्क और लंदन में। उसके बाद नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि नायलॉन हम लोग खुद से तैयार करते हैं। तो नायलॉन को तैयार कराया जाता है कोल, वाटर और एयर से मिला करके। बहुत सारा इसका प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। नायलॉन का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? तो नायलॉन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, उसको आप खींचिएगा तो जल्दी नहीं फटेगा। बहुत ज़्यादा लचीला भी होता है, उसको खींचिएगा तो थोड़ा बहुत लमरेगा भी। लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। जब नायलॉन का कपड़ा भींग जाएगा तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नायलॉन का कपड़ा बहुत कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। नायलॉन के कपड़ा पर कोई भी फंगस वगैरह अटैक नहीं करता है। नायलॉन का कपड़ा जल्दी से जल्दी सड़ता भी नहीं है, मोथ वगैरह भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। बैक्टीरिया फंगस नायलॉन कपड़ा पर अटैक नहीं करता है। नायलॉन का कपड़ा सिकुड़ता भी नहीं है। नायलॉन के कपड़ा के ऊपर आपको प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस्त्री करने का। उसके बाद आता है यूजेज क्या है नायलॉन का। तो नायलॉन का यूज होता है फिशिंग नेट बनाने में। जो मछुआरा सब मछली पकड़ता है उसका जो जाल होता है वो नायलॉन का बना होता है। जो आप मच्छरदानी अपने रूम में लगाते हैं वो भी बहुत सारा कंपनी नायलॉन का भी बनाता है। रोप बनाने में नायलॉन का यूज होता है। जो रस्सी होता है मजबूत वाला वो नायलॉन से बनता है। पैराशूट जो लेकर हम लोग ऊपर से कूदते हैं वो वाला पैराशूट भी बनाने में नायलॉन ही मदद कराता है, ठीक है। उसके बाद टूथब्रश का जो ब्रिस्टल होता है, ब्रिस्टल मतलब जो ब्रश होता है उसके आगे जो दांत निकला हुआ होता है वो नायलॉन का बना होता है, जल्दी सड़ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीट बेल्ट, जो कार वगैरह में सीट बेल्ट होता है वो नायलॉन का बना होता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा लमर जाए, ताकि वो जल्दी टूटे ना, सरे ना, इसी वजह से नायलॉन का बनाया जाता है। उसके बाद जो होजियरी गुड्स होता है वो बनाया जाता है, ठीक है, होजियरी गुड्स। उसके बाद रेनकोट बनाया जाता है, अम्ब्रेला बनाया जाता है, छाता बनाया जाता है, ताकि वो बरसात में जल्दी से जल्दी न भींगे। उसके बाद ड्रेस मटेरियल्स नायलॉन का बनाया जाता है, ताकि बच्चा सब खूब खेल कूद करता है तो ऐसा ना हो कि उसका कपड़ा फट जाए। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि नायलॉन का कपड़ा बनाता है, स्कूल ड्रेस, जो कि स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल में नायलॉन का कपड़ा चलता है, और बहुत जगह पर पॉलिस्टर और कॉटन को मिला दिया जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।